मेरे क्लाइंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि फार्मा में हर चीज परफेक्ट होती है, सबको टाइम से मटेरियल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए, पूरा प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तौर पे घूमता है, सब कुछ पूरा का पूरा सिस्टमेटिक है, पूरा का पूरा परफेक्ट है एक तरह से। लेकिन जब भी हम पेमेंट के बारे में बात करते हैं या किसी क्लाइंट से हम पेमेंट मांग लेते हैं, अपने कस्टमर से पेमेंट की डिमांड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने शेर की पूंछ पे पैर रख दिया है और वो हमें खाने के लिए एक तरह से दौड़ता है। सब कुछ परफेक्ट होते भी पेमेंट के मामले में जब भी बात आती है तो क्यों ये अनपरफेक्ट हो जाता है एक तरह से, इसमें एसिमेट्री आ जाती है, वो परफेक्शन उसमें नहीं रहती। तो काफी इसके बारे में मैंने विचार किया, थोड़ा सा रिसर्च की, पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि एक्चुअल कंज्यूमर अगर हम एंड लेवल पे देखते हैं, पेशेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो मोस्टली पेशेंट के जेब से पैसा निकल जाता है, लेकिन जब भी वो रॉ मटेरियल सप्लायर तक पहुंचता है, पूरी की पूरी चेन के लास्ट तक पहुंचता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो पेमेंट डिले 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 होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कई फैक्टर होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। ABC, अगर आप एक बिजनेस आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको पहले वहां पे पैसा लगाना पड़ रहा है, तो आपका पेमेंट वहां पे डिले होने के चांसेस रहते हैं, वो एक अलग तरह से काम करता है। लेकिन जब आपका एक बिजनेस चल रहा है, एक रूटीन में एक सर्कल घूम रहा है और आपका माल भी बिक रहा है, ये भी नहीं है कि आपको ज्यादा स्टॉक रखना है, स्टॉक भी मार्केट में है, आपका सब कुछ पूरी तरह से परफेक्ट है, लेकिन फिर भी पेमेंट सही तरह से नहीं आ पाती, तो वो यहाँ पे उसको समझने के लिए हमें पूरे के पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक रॉ मटेरियल सप्लायर से लेके केमिस्ट तक काम करती है, केमिस्ट उसके बाद उसके एंड यूजर तक यानी पेशेंट तक मेडिसिन को सप्लाई करता है। मोस्टली केसेज में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या हम छोटे हॉस्पिटल्स की बात भी करते हैं, तो वहां पे पेशेंट्स अपना पूरा पैसा वहां पे चुका देता है जब भी वो डिस्पैच होता है या अपना मेडिसिन वो वहां से लेके जाता है। कुछ इंटीरियर्स में हम लगा सकते हैं या छोटे मोटे प्रैक्टिशनर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे पेशेंट उधार लेके चला जाता है, केमिस्ट से उधार लेके चला जाता है कुछ केसेज में। तो पेमेंट थोड़ा सा वहां पे आप लगा सकते हो कि एंड यूजर के एंड पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, तो वो एंड यूजर के हिसाब से डिस्टरबेंस आता है, तो पूरी चैन में डिस्टरबेंस आना मायने रखता है। लेकिन मोस्टली केसेस में जो एंड यूजर है वो अपना पूरा पैसा देता है, तो वहां से डिस्टरबेंस पैदा नहीं होता, जो डिस्टरबेंस है वो उसके बाद की चेन में पैदा होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल का जो मैनुफैक्चर होता है वो भी किसी केमिकल सप्लायर से अपना मटेरियल लेता है, लेकिन यहाँ पे हम जो प्राइमरी चैन का पहला पार्ट मान के चल रहे हैं वो हम रॉ मटेरियल सप्लायर को कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है चाहे वो ट्रेडर है, वो देता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वो अपना मटेरियल देता है। क्रेडिट टर्म वहां पे आम चलती है, 90 से लेके 120 दिन की क्रेडिट टर्म वहां पे रहती है। जो मैन्युफैक्चरर है वो फिर आगे मार्केटिंग कंपनी को सप्लाई करता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बेच रहा हो, लोन लाइसेंसिंग पे बेच रहा है, या फिर खुद अब अगर खुद की मार्केटिंग सेटअप है उसका, तो वो अपने C&F को बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है या होलसेलर को बेच रहा है, तो वहां पे ये काम करता है। मैन्युफैक्चर ने मार्केटिंग कंपनी को बेचा या C&F को बेचा, तो फिर मार्केटिंग कंपनी क्या करेगी, वो अपने C&F को देगी या फिर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को देगी। तो ये चेन इस तरह काम करती है। तो फिर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो भी होगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो डायरेक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को भी दे सकता है या डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में सप्लाई कर सकता है, ये केमिस्ट को अपना मटेरियल वो प्रोवाइड कर सकता है, केमिस्ट फिर डॉक्टर की पर्ची के अगेंस्ट या फिर जो OTC मेडिसिन है उसको डायरेक्टली वो पेशेंट को वहां पे डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से बेसिकली फार्मास्यूटिकल का जो सर्कल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो काम करता है। तो क्या होता है कि हम मान के चल रहे हैं कि एंड यूजर, मोस्टली केसेस में जो हमने बात करी थी कि एंड यूजर अपना पूरा पैसा दे देता है, तो हम मान के चल रहे हैं पहले जो पहली कंडीशन है, पहला जो सीन है कि क्यों पेमेंट डिले रहती है, तो उसमें क्या है कि पेशेंट अपना पूरा पैसा वहां पे दे रहा है। तो अब जब पेशेंट ने दे दिया, कस्टमर से चला गया, अब एक केमिस्ट एक बिजनेस है, उसके बाद होलसेलर एक बिजनेस है, और फिर मार्केटिंग कंपनी C&F एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस है और रॉ मटेरियल सप्लाई बिजनेस है। यहाँ पे हम अब B2B में आ गए हैं, जैसे एंड यूजर से
केमिस्ट पे पैसा गया तो बी टू बी में हम वहां पे आ गए हैं। तो इस बी टू बी में क्या होता है कि जैसे ही केमिस्ट के पास पैसा आया तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हम उस पैसे में से कुछ अपना पार्ट रख लेते हैं, जितना हमने कमाया उसमें से कुछ हमने पैसा निकाल लिया, और उसके बाद फिर होलसेलर को उसने कुछ पेमेंट करी, फिर होलसेलर ने भी उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया, बाकी पेमेंट उसने डिस्ट्रीब्यूटर को करी या फिर अपना सीएनएफ को करी। तो ऐसे करते करते वो चैन से कुछ कुछ पैसा उसमें से निकल रहा है, तो वो तब तक तो सही है जब तक केवल आप उतना निकाल रहे हो जितना आपका मार्जिन है या जितना आपको जरूरत है उतना अगर आप निकाल रहे हो तो ये सिस्टम अच्छी तरह चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली केसेस में ज्यादातर क्या होता है कि जब केमिस्ट है या होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग कंपनी है, या हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं, वो अपना हिस्सा ना निकाल के बहुत मेजर पोर्शन वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि हम 100 रुपए हमें एक एंड यूजर से प्राप्त हुए, अब रिटेलर का मार्जिन 20% था, 20 रुपए मान के चलते रफली लेके चलेंगे, कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है कि कोई कहे कि यहाँ पे ये -20% होके इतना बैठता है, हम रफली लेके चल रहे हैं। तो अगर 100 रुपीज पेशेंट से आए तो 20 रुपए उसमें से हम मान के चलते हैं केमिस्ट का मार्जिन था, तो 80 रुपए उसको वहां पे होलसेलर को देने थे। अगर हम वो 80 रुपए होलसेलर को देते हैं वहां पे तो उसका पूरा का पूरा बैलेंस वहां पे क्लियर हो जाता है। अब 80 में से हम मान के चलते हैं कि 8 रुपए उसको अपने पास रखने थे, बाकी उसको कंपनी को दे देने थे या सीएनएफ को देने थे, 72 रुपए कंपनी पे पास जाने थे वहां पे। तो 72 रुपए अगर वो अपने 8 रुपए रख के केवल 72 रुपए कंपनी को दे रहा है तो सर्कल वहां पे सही चल रहा है। इसी तरह एक चेन चलती रहती है अगर हम केवल अपना मार्जिन निकाल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि केमिस्ट वाले को 80 रुपए होलसेलर को देने थे, लेकिन उसको लगा कि अभी तो टाइम है, अभी उसको होलसेलर को पैसे नहीं देने हैं। तो वो क्या करता है कि वो 80 देने की बजाय 100 में से 20 रुपए अपने पास रखने की बजाय वो या तो कहीं और इन्वेस्ट करेगा या अपने खर्चे उसके इतने ज्यादा निकली जाए, तो वो 20 की बजाय वहां पे 30 रुपए निकाल लेता है या ज्यादा निकाल लेता है। उसको लगता है कि दोबारा पेमेंट आएगी तो उसमें से वो अपना हिस्सा नहीं निकालेगा और वो सारा का सारा होलसेलर को दे देगा। लेकिन ये थ्योरेटिकली तो सही है कि आपने एक बार ज्यादा निकाल दिया, अगली बार आप कम निकालोगे तो वो पेमेंट वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपने पैसा ज्यादा वहां पे निकाल लिया, कम आपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, तो क्या होगा इस चेन में कि वहां पे अगले पार्टी को पेमेंट जो है वो कम गई, तो अगला भी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पेमेंट जितनी उसके पास आई है वो अपने ही मार्जिन निकाल के आगे दे देगा। वो क्या करेगा कि उसको भी ये लगेगा कि यार अभी तो टाइम है पेमेंट देने में, और अगर सोच कर उसके पास 70 रुपए आए हैं पीछे से तो वो वहां पे अपने 8 रुपए रख के अगर फिर भी 62 रुपए दे तो 10 रुपए का डिफरेंस बैठता है। लेकिन वो ऐसा ना ही करके वो वहां पे सीधा 20 रुपए निकालने की कोशिश करता है, तो 50 रुपए फिर वहां पे मैन्युफैक्चरर को या सीएनएफ को जाएंगे, क्योंकि उसको भी यही लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकली उसने भी यही कैलकुलेट किया है कि आगे जो पेमेंट आएगी जब सीजन आएगा या कुछ भी एबीसी तो उसमें से वो एडजस्ट कर लेगा और वो ज्यादा निकाल लेता है। तो वहां पे जो ये पेमेंट जाते 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 वहां पे जो एंड जो वेंडर है, जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, उस तक काफी कम रह जाती है, बशर्ते कि वो पूरी की पूरी एडवांस पेमेंट पे काम नहीं कर रहा है। अगर वो सीधा ही मैन्युफैक्चरर को एडवांस दे रहा है तो दूसरी बात है। तो ये पेमेंट थोड़ी सी वहां पे जाते जाते कम रह जाती है, तो ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। फिर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर को प्रेशराइज करेगा क्योंकि उसका पिछला पेमेंट भी रुका हुआ है, आगे भी वो माल मांग रहा है क्योंकि मार्केट में तो डिमांड आ ही रही है, माल बिक ही रहा है, लेकिन पेमेंट का सर्कल वहां पे टूटा हुआ है। तो इस तरह से क्या वो मैन्युफैक्चरर्स को प्रेशराइज करेगा, मैन्युफैक्चरर अपने सीएनएफ को या मार्केटिंग कंपनी को प्रेशराइज करेगा, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को करेगा, वो रिटेलर को करेगा। अल्टीमेटली क्या है कि बाद में या तो उनको टोटली अपना एडवांस पेमेंट टर्म पे आना पड़ेगा या फिर वो उसको माल रोक रोक के देना पड़ेगा कि जितना उसको अभी वो जो लगा हुआ है तो लगा हुआ है, जितना आगे वो पेमेंट दे रहा है उतनी वो माल को सप्लाई कर देता है। तो कुछ इस तरह से एक मेजर कारण है क्योंकि इस प्रोसेस से बहुत सारे पेमेंट बाहर निकल रही है, बहुत सारी पेमेंटें बाहर आ रही है। अगर वो रूटीन से चलती रही, रेगुलर हर कोई अपना केवल मार्जिन निकालता रहे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप अपने मार्जिन से ज्यादा निकालने की कोशिश करते किसी भी लेवल पे, ये केवल रिटेलर लेवल पे नहीं है, अगर रिटेलर ने पूरा पैसा भी दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर वहां पे सोचने लग जाता है कि यार चलो अभी तो टाइम है, मैं अपना ये काम कर लेता हूं, मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूं, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देता हूं। तो जो ये पेमेंट एक्स्ट्रा निकलती है बिजनेस से,
जितनी निकालनी चाहिए एक पर्सन को, उससे ज्यादा जब वो निकालते हैं तो वो पेमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, और आपको लगता है कि आप उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो, अपने आप को समझा लेते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, आप तो अगले बंदे को बिजनेस दे रहे हो, तो उसको आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए पेमेंट के लिए, क्योंकि आपने कहीं और वो पेमेंट इन्वेस्ट कर दी है या खर्चा कर दिया, एबीसी कोई भी कारण हो सकता है, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं वहां पे, या आप उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा सा वहां पे साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाते हो जब आपसे कोई पेमेंट मांगता है, तो तब एकदम से कुछ पर्सन तो उसको सहन कर जाते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा लगता है कि अगले उसके वेंडर ने उससे पेमेंट मांग के उसकी इंसल्ट की है, और तब उनको लगता है, उनको गुस्सा आता है, वो कुछ ना कुछ कभी कभी बोल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी बोलते, कभी कभी वो सोचते हैं कि अब इस पर्सन का, इस बिजनेस का, इस कंपनी का काम हमें बंद कर देना चाहिए, ये पेमेंट के लिए ज्यादा प्रेशर करता है। तो कुछ ये मेजर कारण मेरे को लगा, क्योंकि मार्केट से अगर एंड यूजर आपकी एक्चुअल पेमेंट कर रहा है और आते आते उस चैन में लास्ट तक वो पेमेंट नहीं आती, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि हर लेवल पे पेमेंट निकलती है, निकालना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक्सेस में पेमेंट निकलती है जितनी आपको निकालनी चाहिए, और मैंने बहुत बिजनेसेज ऐसे देखे हैं जो इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि आपको, चलो आप अगर 100 में से 30 रुपए निकालने 20 निकालने चाहिए थे, वो तो रीजनेबल चलता है, कभी कभी कोई कोई बीच में चैन का कोई पार्ट ना पूरे के पूरे पैसे ही निकाल लेता है, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर को 70 रुपए आए हैं केमिस्ट से, तो वो 70 के 70 ही निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, और उसको लगता है कि थोड़े टाइम बाद सर्कल सही आएगा तो वो पेमेंट सही तरह करने लग जाएगा, लेकिन वो पेमेंट बहुत लंबे टाइम के लिए कहीं पे फंस जाती है, और जैसे ही वो फंस जाती है तो उसको अपने वेंडर से मटीरियल मिलना बंद हो जाता है, और जैसे ही उसको मटीरियल मिलना बंद हो जाता है तो उसका बिजनेस वहां पे सफर करना शुरू हो जाता है, उसको स्टॉक की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे ही वो आगे स्टॉक नहीं दे पाएगा, आगे सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो जितना इन्वेस्टमेंट उसका मार्केट में लगा हुआ है वो भी एक तरह से उसका ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट एक पूरे सर्कल की तरह चलते हैं, जहां पे भी आप इसको छोड़ के जाते हो, जहां पे भी आप माल सप्लाई करना रोकते हो, वहीं पे जितनी भी आपने मार्केट में पेमेंट लगाई हुई है वो वहीं पे आपकी ब्लॉक हो जाती है, और आपका बिजनेस वहां से थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि अभी तो चलो मैं इसको सुधार लूंगा, स्टार्टिंग में अगर आप एक दो गलती करते हो उसके बाद आप सेट आ जाते हो तो आपका बिजनेस वहां पे स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको लंबे टाइम तक करते हो तो फिर आपका बिजनेस वहां पे खराब होना शुरू हो जाता है, तो बड़ा ध्यान से यहाँ पे आपको चलना पड़ता है। देखो, आपके पास केवल आप खुद का ही कंट्रोल कर सकते हो, अगर कोई मेरे को कहे कि यार मेरे हाथ में केमिस्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, या कंपनी मेरे हाथ में नहीं है, वो निकाल रही है अगर ज्यादा पैसा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने बिजनेस को कैसे बचा सकता हूं। अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैंने ये बहुत देखा है, मेरी बहुत पेमेंटें मारी है स्टार्टिंग में लोगों ने, और उनसे सर्वाइव भी किया, उस मरी हुई पेमेंट, मतलब उस पेमेंट जो नहीं आई उसको भी कंपनसेट करना है वेंडर को, उस पेमेंट को भी आपको तो वेंडर को करना ही है, और बाकी आपको वहां पे क्या होता है, एक तो आपको अपने खर्चे लिमिट करने पड़ते हैं, बहुत हाथ टाइट करके मैंने उन सब चीजों को कंट्रोल किया था फिर, और दूसरा मैंने फिर मार्केट में आराम आराम से सीखा है कि आप किसी एक कस्टमर पे ज्यादा पैसा मत लगाइए कभी भी, आपके हर कस्टमर की जो एक लिमिट होनी चाहिए वहां पे, कि आपको कितना पैसा वहां पे लगाना है उस कस्टमर पे, वो उसकी सेल के हिसाब से भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि किसी कस्टमर को आप 3 महीने का क्रेडिट दे सकते हो और आपकी कैपेसिटी 3 महीने का क्रेडिट उसको देने की है, आपकी भी कैपेसिटी वहां पे डिपेंड करती है कि आप कितना इन्वेस्ट मार्केट में कर सकते हो, कितनी कैपेबिलिटी आप रख सकते हो, ताकि जो आपका वेंडर है वो आपको रेगुलर बेसिस पे माल दे सके और आप भी उसको पेमेंट आराम से दे सको, तो आपको वहां पे एक लिमिट अगर आप तय करके चलते हो तो आप मोस्टली, देखो आपकी पेमेंट मरेगी मार्केट में, लेकिन जो आपका नुकसान है, जो आपके बिजनेस के खत्म होने के चांसेस है दूसरों की वजह से, वो लिमिटेड हो जाएंगे वहां पे, तो आप अगर आप एक लिमिट लेके चलते हो कि 3 महीने का आपको क्रेडिट देना है, 2 महीने का किसी को क्रेडिट देना है, अगर वो 10,000 या 20,000 की वहां पे सेल दे रहा है तो आप उसको 40,000 या 50,000 की लिमिट वहां पे रख सकते हो, उससे ज्यादा आपको वहां पे किसी भी कंडीशन में, चाहे आपकी रिलेशनशिप वहां पे खराब होने की नौबत आए, तो आपको उसको मना कर देना है कि भाई इससे ज्यादा पैसा मैं आप पे नहीं लगा सकता, और ज्यादा आपको उसको ज्यादा गलत बोलने की जरूरत नहीं, आप ये कह सकते हो यार मेरी औकात नहीं है आप पे इससे ज्यादा पैसा लगाने की, मैं मेरी कैपेसिटी नहीं है इससे ज्यादा आप पे पैसा लगाने की, और मैं नहीं लगा सकता, तो
अगर मैं अपनी बात करता हूं यहां पे, तो मेरी मोस्टली पार्ट इज की मैं लिमिट बांध के चलता हूं, और उसके बाद मैं ये मान के चलता हूं कि इसके बाद मेरे को इससे ज्यादा इस पे क्रेडिट नहीं लगाना है। अब पेमेंट आएगी, जितनी पेमेंट आएगी, या अगर रेगुलर पेमेंट आ रही है तो मैं उसको माल दे रहा हूं, उसकी सेल बढ़ रही है तो उसके हिसाब से उसकी क्रेडिट वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी सेल कम हो रही है तो उसकी क्रेडिट वैल्यू कम होती जाएगी। तो कुछ फैक्टर यहां पे आपको देख के चलने हैं। तो उससे ज्यादा मैं माल नहीं देता, मैं ये मान के चलता हूं कि जितनी पैसे मैंने वहां पे लगा दिए हैं, तो अगर वो ना भी आए तो भी मेरा वहां पे बिजनेस खराब नहीं होगा। मैं बहुत पार्टियों पे वो मरे मान लेता हूं कि अब इस पे मैंने इतना पैसा लगा दिया, चाहे वो मैंने गलती करी है चाहे वो मैंने सही किया है, अब ये नहीं भी आएंगे तो इसको मैं मरा मान लेता हूं कि ये मार्केट से नहीं आएंगे, लेकिन आगे मैं उसको उतना ही माल दूंगा जितनी उसकी पेमेंट आएगी। और अगर वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, अपना काम बढ़ा रहा है, उसके बाद अपना रूटीन सही कर रहा है, तो उस पर आप क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा सकते हो। तो ये मेजर कारण है कि मार्केट में पेमेंटें कैसे फंसती है। जब आप एक्सेस में पेमेंट निकालना शुरू कर देते हो अपने बिजनेस में, जितना आपको अपने प्रॉफिट में निकालना, अपने खर्चे के लिए निकालना है, उससे ज्यादा आप निकालते हो, तब वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और एक ये मेजर कारण है बहुत सारे बिजनेस के खत्म होने के। इसलिए आपको फाइनेंशियली बड़ा ध्यान से, अपने लिए भी, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं होते बिजनेस में, बहुत सारे पर्सन बिजनेस में आपसे जुड़े होते हैं। अगर मेरा बिजनेस यहां पे खराब होता है तो मैं खुद अपना बिजनेस नहीं खराब करूंगा, मैं बहुत सारे पर्सन का, बहुत सारे बिजनेसिस का बिजनेस खराब करूंगा जो केवल मेरे पे डिपेंडेंट करते हैं। तो आपको बड़े सोच समझ के अपना बिजनेस करने की जरूरत है। हर कस्टमर की आपकी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो तो निकालेगा। आप हो सकता है अपना प्रॉफिट निकालो, लेकिन वो निकालेगा उसकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की वजह से आपका बिजनेस खराब ना हो, तो आप लिमिट बना के चलिए। तो ये मेजर कारण लगता है। इसके अलावा भी और बहुत कारण होते हैं जिनकी वजह से पेमेंट ब्लॉकेज होते हैं। एबीसी कहीं पे कभी कभी, जैसे कोरोना में हुआ था कि आपका स्टॉक, आपने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया था जो ब्लॉक हो गया, वहां पे आपका पेमेंट ब्लॉक हो गया, तो वो भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल कारण होते हैं। कभी कभी मतलब ऊंट पे बैठ के भी कुत्ता काट जाता है, तो बहुत फैक्टर होते हैं। लेकिन जो मेजर कारण मेरे को लगता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, कि पेमेंट का फ्लो बहुत कम रहता है, तो वो इसी वजह से रहता है कि हम एक्सेस में, जो चैन में जितना पेमेंट का फ्लो रहना चाहिए वो नहीं रहता, उससे पेमेंट बाहर ज्यादा निकलता है, और उस फ्लो को मेंटेन रखने की बजाय कहीं ना कहीं आपको भी ये सीखने में मदद मिली होगी कि आप अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के लिए क्या कर सकते हो। और कभी भी अपनी लिमिट से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा अपने बिजनेस से पैसा निकालने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको उसमें कोई नुकसान नहीं लगता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी क्रेडिबिलिटी भी वहां पे खत्म होती है और आप स्टेबल रहने के काबिल नहीं रहते कहीं ना कहीं, और आपका एक्सपेंशन भी वहां पे नहीं हो पाता। जब आपको मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाने की जरूरत होती है, आपको लगता है कि आपको मार्केट से पैसा एकदम चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो वो भी नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नुकसान देगी अगर आप वेंडर का पैसा टाइम से नहीं दे रहे हो। तो फार्मा में या किसी भी बिजनेस में फ्लो कैश का बना रहना उस बिजनेस के लिए, उस सेक्टर के लिए बड़ा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।